बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पिशावरी किचन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज पिशावरी किचन में मैं आपके लिए फ्रूट चाट बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हम करेंगे, यहाँ माने ना हाफ टी टेबल स्पून मैंने चीनी ली है और एक ये बड़ा लेमन ले लिया, तो उसको इसके अंदर मैं स्क्वीज कर लूंगी। मैं सारा ये इसके अंदर स्क्वीज कर लूंगी। बाकी फ्रूट्स के बारे में जो उसके अंदर जाएंगे वो मैं सारे आपको दिखा दूंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने नींबू और चीनी का सिरप जो है वो बना लिया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ तीन एप्पल ले लिए थे, उनकी स्किन मैंने हटा ली है, उनको इस तरह बारीक काट लेंगे। इसमें मैंने टू लिए बनाना, दो केले मैंने ले लिए। और यहाँ पे आपको दिखाती जाऊँ तो यहाँ पे मैंने दो कीवी लिए हैं, इसमें एक बड़ा अमरूद ले लिया है, यहाँ एक पैशन फ्रूट लिया है मैंने, और यहाँ सब कुछ ग्रेप्स हैं इसके अंदर। तो पहले सबसे पहले मैं सारे एप्पल जो है इनको काट लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर अमरूद डाला है तो उसके सीड्स जो है वो रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये मुंह में आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसके सीड्स को ऐसे रिमूव कर लेंगे, देखें, और इसको काट लेंगे बीच में। अब इसमें इनकी भी काट लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर ये बनाना जो है वो पील कर लेंगे। आपके पास अगर छोटे वाले बनाना है तो वो आप 4 to 5 यूज कर लें, मेरे पास ये बनाना जो है ये बड़े हैं। इनको काट लेंगे। अच्छा जी, ये जो पैशन फ्रूट है इसको भी हमने इसके अंदर ये जो निकाल लेंगे इस तरह। अच्छा जी, सारे फ्रूट हम इसके अंदर डाल दिए, अब इनको मिक्स कर लेंगे। और ये जो मैंने बनाया था सिरप, इसमें 1.5 टेबल स्पून शुगर थी और एक बड़ा लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ इसमें बड़ा एक तो बनाना और जो एप्पल है ये ब्लैक नहीं होंगे, और दूसरा इसके साथ एक खट्टा और मीठा सा बहुत अच्छा टेक्सचर इसमें आएगा। ये हमारी जबरदस्त सी मजेदार सी अफ्तार के लिए जो है वो फ्रूट चाट रेडी हो गई है। ये होममेड रू अफ्ज़ है, इसकी रेसिपी पहले मैं आपको दे चुकी हूँ, तो ये जरा सा इसके ऊपर डाल देंगे। ये लीजिए, हमारा जबरदस्त मजेदार सी फ्रूट चाट जो है वो बन कर रेडी हो गई है। इफ्तार टाइम के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसको बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करेंगे मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।